हेलो यूट्यूब, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। मेरा नाम है रिक्की और आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी वैगनार के बारे में 2020, और इस वैगनार के अंदर हम बात करने वाले हैं इसके सीएनजी वेरिएंट्स के बारे में। तो हम इसको डिटेल हम एनालिसिस करने वाले हैं सीएनजी वेरिएंट का, कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ ऑफर की गई है इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर में जिसमें ये आती हैगी, और साथ ही साथ हम इसके बाकी और फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसके इंजन, इसकी डायमेंशन, इसकी सेफ्टी, कंफर्ट, इंटरटेनमेंट, सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइसेस के बारे में। तो मैं आपको पहले बता दूं कि वैगनार हमें मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में भी अवेलेबल है, और इसका सीएनजी वेरिएंट के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। इसी के साथ इसके अंदर में पेट्रोल इंजन मिलता है, वो भी दो वेरिएंट्स के अंदर में, एक 1 लीटर और एक 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन में। तो मैं आपको पहले सभी की एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ और इनकी प्राइजेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एलएक्सआई 1 लीटर के पेट्रोल इंजन की प्राइस है 4.51 लाख रुपीज़। इसके बाद में इसका नेक्स्ट वेरिएंट आता है VXI 1 लीटर के अंदर में, इसकी प्राइस है 4.96। VXI 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आता है, इसकी प्राइस है 5.19 लाख रुपीज़। इसके बाद में इसका सीएनजी वेरिएंट LXI के अंदर आता है, जिसकी प्राइसेस है 5.25 लाख रुपीज़। VXI 1 लीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर आता है, उसकी प्राइस है 5.43 लाख रुपीज़। ZXI 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन में, इसकी प्राइस है 5.53 लाख रुपीज़। VXI 1.2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, जिसकी प्राइसेज है 5.66 लाख रुपीज़। और ZXI 1.2 AMT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इसकी प्राइसेज है 6.0 लाख रुपीज़। एक शोरूम दिल्ली की प्राइसेज मैंने आपको इसमें बताई है। इसी के साथ जो सीएनजी वेरिएंट है 1 लीटर LXI वेरिएंट में जो आता है, उसकी प्राइसेज है 5.25 लाख रुपीज़, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इसके और कुछ डिटेल्स जानते हैं। सभी वेरिएंट्स के अंदर में कुछ बेसिक चीज़ें कॉमन है, जैसे कि इसके डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशन, सिर्फ आपका फ्यूल चेंज होगा। तो मैं पहले आपको बेसिक इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ वैगनार के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आई मीन डायमेंशन। तो डायमेंशन में लेंथ में इसकी जो ऑफर की जाती है वो है 3655 mm की। विड्थ हमें इसमें मिलती है 1620 mm। हाइट इसके अंदर हमें जो ऑफर की जाती है वो है 1675 mm की। व्हील बेस इसके अंदर हमें 2435 mm का दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का मिलता है। और इसी के साथ में अगर इसके हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ये अलग अलग है। मैं सीएनजी वेरिएंट की यहाँ पे बात करूँ तो सीएनजी वेरिएंट के अंदर में आपको 60 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती हैगी। तो चलिए अब हम इसके कुछ और इन्फॉर्मेशन अब सीएनजी के वेरिएंट के बारे में जानते हैं। तो सीएनजी वेरिएंट के हम सबसे पहले इंजन की बात करते हैं, तो इसमें हमें 1 लीटर का 998 cc का 3 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो कि हमें 58 bhp की पावर प्लस 70 nm का हमें टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ सीएनजी वेरिएंट की अगर हमें माइलेज की बात करूँ तो ये 32.52 km/L की इसमें हमें माइलेज ऑफर होती हैगी। और इसका जो 60 लीटर का जो फ्यूल टैंक, मतलब जो सीएनजी टैंक है, अगर उसके साथ मैं इसकी टोटल ड्राइव रेंज की अगर बात करूँ तो 1951.2 km की इसमें हमें ओवरऑल ड्राइव रेंज ऑफर की जाती है। यह हमें मैनुअल 5-स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ में ऑफर किया जाता है। इसी के साथ सीएनजी में अगर कोई अल्टरनेटिव फ्यूल अगर हम यूज़ कर सकते हैं तो वो है पेट्रोल। हम इसमें अगर पेट्रोल भी यूज़ करके हम इस गाड़ी को रन कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इसके टायर्स के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर हमें 155/80 R13 इंच का स्टील रिम टायर दिया गया है, जो कि रेडियल टायर है, ट्यूबलेस टायर हमें मिलता है गया। इसी के साथ अगर इसके टर्निंग रेडियस की बात की जाए तो 4.7 मीटर का इसके हमें टर्निंग रेडियस मिलता है। अगर इसमें ब्रेक्स की बात करूँ तो फ्रंट और रेयर के अंदर हमें डिस्क एंड ड्रम ब्रेक दिए गए हैं, और साथ ही सभी वेरियंट्स के अंदर में इसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग का हमें फ़ीचर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसमें मिलने वाली सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो सीएनजी वेरिएंट की अगर मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो सीएनजी वेरिएंट में हमें सिंगल एयरबैग का ऑप्शन दिया गया है, जो कि हमें सिर्फ ड्राइवर साइड मिलता है। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि जितने भी वेरियंट्स के मैंने आपको बताया सभी के अंदर में ऑप्शनल वेरियंट भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑप्शनल वेरियंट में जाते हैं तो आपको ड्राइवर साइड एयरबैग के साथ साथ आपको पैसेंजर साइड एयरबैग का ऑप्शन भी एडिशनल दिया गया है। उसकी प्राइजेस 7000 रुपीज़ आपको एडिशनल पे करना पड़ती है। इसके अलावा कुछ और सेफ्टी फीचर जैसे कि सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, इंजन इमोबिलाइजर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, जैसे हमें इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं अब इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स के बारे में। तो इसमें हमें मैनुअल AC दिया गया है, इसके साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर, इसके साथ में 12 वोल्ट का हमें चार्जिंग सॉकेट मिलता है, फैब्रिक सीट इसके अंदर हमें दी गई है। इसी के साथ में हमें जो बैक रेयर सीट मिलती है वो फुल फोल्डिंग के साथ में अवेलेबल है। दोनों साइड में हमें हेडरेस्ट मिलते हैं फ्रंट एंड रेयर दोनों में। इसी के साथ डैशबोर्ड की अगर बात की जाए तो हमें ड्यूल टोन डैशबोर्ड देखने को मिलता है बेज एंड ब्लैक कलर में। कप होल्डर इसमें हमें फ्रंट के अंदर ही अवेलेबल है, बैक सीट पे हमें ना इसमें आर्मरेस्ट मिलता है ना ही इसमें कोई कप होल्डर का ऑप्शन है।
बात कर लेते हैं इसमें कुछ और एडिशनल कंफर्ट एंड यूटिलाइट जैसे फीचर्स के बारे में। तो इसके अंदर में हमें पावर विंडो सिर्फ फ्रंट के अंदर में ऑफर की गई है, रियर के अंदर में हमें कोई पावर विंडो या फिर ना ही में हमें मिरर ना ही कोई हमें डिफॉगर जैसे कोई ऑप्शन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर कुछ एक्सटीरियर की अगर बात कर ली जाए तो एक्सटीरियर में हमें जो डोर हैंडल्स मिलते हैं वो ब्लैक कलर के मिलते हैंगे, और साथ ही साथ ब्लैक कलर के ORVMs मिलते हैंगे CNG वेरिएंट में। अगर इसके बम्पर्स की बात की जाए तो ये हमें बॉडी कलर बम्पर्स इसमें दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें मिलने वाली लाइट्स के बारे में। तो दोनों ही फ्रंट और रियर में जो टेल लाइट्स है दोनों ही हमें हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है। फॉग लैम्प इसके अंदर हमें नहीं दिए गए हैं, हाउसिंग मिलती है, आप चाहें तो एडिशनल आफ्टर मार्केट या एसेसरीज़ के तौर पर आप इसको लगवा सकते हैं। इसी के अलावा इसके इंफोटेनमेंट के अंदर में हमें कुछ भी नहीं दिया गया, कोई सा भी प्लेयर इसके अंदर में नहीं दिया गया, आपको हाउसिंग मिलेगी, आप चाहें तो इसको भी एसेसरीज या फिर आफ्टर मार्केट आप चाहें तो इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें इसके अंदर में एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों मिलता आएगा, साथ में इसमें हमें एनालॉग टेकोमीटर दिया गया आएगा जिसके अंदर हमें MID के अंदर में कुछ इंफॉर्मेशन जो कि डिस्प्ले होती है जैसे कि एवरेज फ्यूल डिस्टेंस टू MT, डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, डोर हज़ार वार्निंग, शिफ्ट इंडिकेटर्स, मतलब आपको इसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर का भी ऑप्शनल मिलेगा डायनामिक। इसके अलावा इंस्टेंट फ्यूल कंजप्शन जैसे हमें फीचर्स इसके अंदर में डिस्प्ले में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इसमें मिलने वाली वारंटी की। तो मारुति की तरफ से इसमें 2 ईयर्स प्लस 40,000 किलोमीटर की हमें वारंटी ऑफर की जाती है। अब वेगन आर के हम इसमें कलर ऑप्शन भी जान लेते हैं कि CNG या और भी वेगन आर के आप वेरियंट देख रहे हैं तो इसमें हमें कौन कौन से कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले पूल साइड ब्लू, मैग्मा ग्रे, ऑन्टोनम ऑरेंज, ब्राउन, सिल्की सिल्वर एंड सॉलिड वाइट जैसे हमें कलर फीचर्स इसके अंदर में अवेलेबल कराए गए हैं। तो ये तो थी वेगन आर के CNG वेरिएंट के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आप वेगन आर के कोई और वेरिएंट के बारे में डिटेल एनालिसिस चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें भी ईमेल करके भी बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको उस पर एक डिटेल वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई अगर आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल या इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि हम डेली बेसिस पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़, रिव्यूज़, वॉक अराउंड वीडियोस आपके लिए हम लेके आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे जल्द नेक्स्ट डे किसी और नए वीडियो के साथ में। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।